आदरणीय कमलनाथ जी ने आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए, जो घर का बिजली का बिल 100 यूनिट तक जो जलाएगा, वो 100 यूनिट तक जो जलाएगा उसको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा साथियों, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। जो 200 यूनिट बिजली जलाएगा उसको बिजली का बिल आधा ही भरना पड़ेगा, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। साथियों आज ये हमारे जो मोटर पंप का बिजली का बिल आता है 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का, हमारे किसानों पर वो 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का मोटर पंप का बिजली का बिल आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है। कांग्रेस की सरकार रहेगी 5 साल तक हमारे किसानों को 5 HP तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री रहेगा साथियों। और जो 10 HP तक मोटर पंप है उसको बिजली का बिल आधा ही भरना पड़ेगा, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है साथियों। और जो ये 19 साल तक इन्होंने महंगाई आपके ऊपर डाली है, आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाने का तेल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, सोसाइटी में मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है, शक्कर सोसाइटी में मिलती नहीं है, और खाद महंगा है, बिजली का बिल महंगा है, कीटनाशक दवाइयां महंगी है, जो खेती के काम में आने वाला हमारा PVC पाइप अनाप शनाप महंगा कर दिया। साथियों हम गरीबों के लिए इस BJP की सरकार में घर बनाना आसान नहीं है, क्योंकि लोहा महंगा है, सीमेंट महंगा है, रेता तो सोने जैसी महंगी कर दी है इस BJP के राज में। और इसलिए साथियों महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है तुम्हारे से। आज देखिए कि आज महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ता है, मध्य प्रदेश में महंगा है। ये शिवराज सिंह जी ने पेट्रोल और डीजल पर जो मध्य प्रदेश का वेट टैक्स लगाया है, जिसके कारण आपसे पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप राशि वसूल की जा रही, सरकारी खजाना भरा जा रहा है, और आपसे महंगाई की मार से सरकारी खजाना इन्होंने भरा है। और चुनाव के 4 महीने पहले जब पता लगा कि BJP और RSS के सर्वे में 230 सीटों में से केवल 40-50 सीट आ रही है, तो इनकी चट्टान खसक गई कि BJP सरकार जा रही है या और 40-50 सीट आ रही है, तो इन्होंने चुनावी फंडे के रूप में साथियों क्या किया कि जो तुम्हारे से एक हाथ से महंगाई की मार से सरकारी खजाना भरा, दूसरे हाथ से लाडली बहना के रूप में उनके खाते में 1000-1000 रुपए डालने का ये चुनावी फंडा 4 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने लाया है। आप लोगों को समझना होगा, हमारी माताओं बहनों को समझना होगा कि 19 साल तक इस BJP की सरकार ने महंगाई की मार देकर आपसे वसूल किया, और 4 महीने पहले आपका ही पैसा इन्होंने 1000 रुपए आपको लाडली बहना के रूप में देने का चुनावी फंडे के रूप में काम किया जा रहा है। साथियों इसी 19 साल की सरकार ने हमारी लाडली बहना को BJP की नीतियों के कारण गरीब बना के रख दिया, और 1000 रुपए डाल के क्या हमारी बहनों को अमीर बना देगा, ये चुनावी फंडा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। साथियों न शिवराज मिलेगा आपको, न मोदी मिलेगा, केवल और केवल कोई मिलेगा हमारे पड़ोस में तो आदरणीय कमलनाथ जी मिलेंगे साथियों, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। और कमलनाथ जी ने वचन दिया है नारी सम्मान के रूप में हमारी बहनों के लिए नारी सम्मान के रूप में कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि जैसे ही अगले महीने कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप 1000-1200 छोड़ो, हमारी बहनों को कमलनाथ जी 1500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे साथियों, 1500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे,
महंगाई की इस मार से निजात पाने के लिए कमलनाथ जी 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे साथियों, ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। साथियों अंत में मैं एक कहना चाहता हूँ, आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हमारे बैतूल जिले से कोसों दूर से बने हैं। अर्जुन सिंह जी बने तो रीवा सतना से बने, उन्होंने रीवा के आसपास के लोगों का भला किया। सेठी जी बने इंदौर से तो उन्होंने इंदौर को चमन किया। साथियों पहली बार तुम्हारी और हमारी किस्मत से इतने बड़े कद के नेता हमारे पड़ोसी है, हमारे जिले से लगी सीमा छिंदवाड़ा जिले की है। तुम्हारी हमारी किस्मत से सहयोग से आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे। साथियों कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी को होगा तो बैतूल जिले को होगा। साथियों पड़ोसी का धर्म कमलनाथ जी ने हमेशा निभाया है। कमलनाथ जी ने सड़क मंत्री रहते हुए 2 लेन और 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया है। कमलनाथ जी के रहते ही बैतूल से होशंगाबाद ये 4 लेन सेंक्शन हुआ था। आपकी मांग पर कमलनाथ जी ने भौरा में बाईपास करवाया, आपकी मांग पे ये 4 लेन करवाया, बैतूल नागपुर करवाया। और इसलिए साथियों कमलनाथ जी ने नगर पालिका को पीने के पानी के लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया पूरे बैतूल जिले की नगर पालिका को। और इसलिए 14 महीने में सबसे ज्यादा अगर पीएचई विभाग के माध्यम से कमलनाथ जी ने किसी जिले को पैसा देने का काम किया तो वो बैतूल जिले को दिया है। साथियों ये कमलनाथ जी ने अपना प्रेम बता दिया कि वो बैतूल जिले को कितना चाहते हैं। और साथियों इसलिए मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा नौजवान हमारा राहुल एक जनपद का अध्यक्ष है, जिला पंचायत का सदस्य है और ऐसे होनहार जो आपको 24 घंटे सेवा दे सकता है। और एक अच्छा नौजवान कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार आने वाली 17 तारीख को कमलनाथ जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मेरे साथ बोलेंगे कमलनाथ जी की बात पर, कमलनाथ जी की बात पर। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, राहुल को जिताना है, इसलिए पंजे की बटन दबाना है और अपने बैतूल जिले का तेज रफ्तार से विकास कराना है। इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस घोषणावीर मुख्यमंत्री का आगे पाठ पीछे सपाट करना है। और चला चली की बेला में बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, कमलनाथ जी आने वाले हैं, तो एक साथ मुझे हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके कमलनाथ जी को विश्वास दिलाइए कि हम गोला डोंगरी और बैतूल जिले से भारी बहुमतों से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और राहुल को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। जोरदार तालियों से कमलनाथ जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से पहले अनुरोध करूंगा कि आपका लाडला प्रत्याशी है वो भी 2 शब्द राहुल बोलेगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं राहुल से अनुरोध करता हूँ कि वो आप जनता जनार्दन को संबोधित करने के बाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सुखदेव पांसे जी। एक मिनट राहुल, एक मिनट। हमारे शाहपुर भौरा और घोड़ा डोंगरी के कार्यकर्ता स्वागत से वंचित रह गए हैं और हमारा जो सिक्योरिटी प्रशासन है वो ये कहता है कि ये मंच टूट जाएगा। मेरा ये निवेदन है कि हमारे भौरा और शाहपुर के जो कार्यकर्ता कृपया नीचे आ जाए। आप लोग चाहते हैं आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करना है तो गुड्डू ठाकुर जी, ओम कमलकर जी, रिंकू वर्मा पहलवान आओ इधर, हम अंदर आओ, ये नीचे आओ, नीचे से हमारा स्वागत करना आप लोगों ने, जल्दी आओ इधर। हाँ ये कुछ काम अनुशासन की श्रेणी से बाहर होता है जो दिक्कत का कारण बनता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं को हमारे साहब का स्वागत करने का समय नहीं मिलता, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हाँ इधर आओ सामने, वो माला लेके आओ ना, अमित कहाँ है, देना माला दे इधर, यहाँ आओ वकील साहब, इधर आओ आगे। हाँ इधर आओ जो, हम सामने जल्दी आओ। पाडर
पाडर घोड़ा डोंगरी भौरा और शाहपुर, रिंकू वर्मा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, धर्मेंद्र शुक्ला, पहलवान सिंह ठाकुर, आशीष मालवी, शिव कुमार मालवी जी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बस बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आपकी आपका मान और सम्मान आदरणीय साहब ने रख लिया है। आप अब सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। आशीष 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 मैं जिलाते अपने अपने स्थान पर जाएं सब। आशीष निकलो जल्दी। भाई हेमंत वागर से अनुरोध करूंगा, सब आकर दो, अब आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। मैं राहुल, हमारे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राहुल से निवेदन करूंगा। जी जी, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की इस पावन धरती पर मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके लाडले नेता आदरणीय कमलनाथ जी का दोनों तालियों से हाथ बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय इस मंच पर उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हम सबके लाडले नेता आदरणीय सुखदेव पांसे जी, बैतूल के लाडले विधायक आदरणीय नीले डागा जी, सम्मानी सुनील शर्मा जी, सम्मानी समीर खान जी, सम्मानी नरेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र महतो जी, विजय आर जी, यादव जी, मनोज आर जी, तिरुपति भाई, सभी सभी सम्मानित मंच, मैं आदरणीय कमलनाथ जी आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो जनता आपके सामने बैठी है ये आपके विश्वास पर अटल है, और जो आपने इनको विश्वास दिलाया और जो वचन दिलाया है कि 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर तक की मोटर आपको फ्री में चलाने के लिए दी जाएगी, ये सारे किसान आपके सामने बैठे हैं, ये सारे युवा यहाँ पे बैठे हैं जो आपके आशा भरी निगाह से देखते हैं कि आपके मुख्यमंत्री बनते ही इन युवाओं को रोजगार मिलेगा, इन हाथों को काम मिलेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है, पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। सिराज हमेशा झूठ बोलता है इन युवाओं से, इन किसानों से, हमारी बेटी बहनों से और माताओं से। आपके जो वचन आपने पिछली बार 2018 के चुनाव में दिए थे वो वचन आपने पूरा करने का काम किया, और उन्हीं वचन के विश्वास पर आज ये जनता आप सबके बीच में बैठी है, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय कमलनाथ जी आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और बैतूल विधानसभा से भाई राहुल के साथ में 5वीं विधानसभा कांग्रेस की जीत करके आपके पास लाकर देंगे। निश्चित ही हमारे सभी किसान भाई, हमारे युवा और महिलाएं आपके साथ है और आपके वचन के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं एक बार आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने हाथ उठाकर आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति अपने विश्वास, अपनी आशाएं, जो आप चाहते हो कि प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट के लिए भाई सुनील शर्मा से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट में अपना संबोधन। मैं राहुल उइके से जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी है, जोरदार तालियों से उसका स्वागत करो राहुल। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज इस शाहपुर के पवन धारा पर उपस्थित आदरणीय मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का मैं इस मैडी पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों सभी तालियां बजाकर स्वागत करिएगा। साथियों आज 18 सालों की सरकार में आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है बहुत ही त्रस्त है, बहुत परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए हमको सही हमारे मुख्यमंत्री का चयन करना है। मुख्यमंत्री का चयन जब होगा तब आप मुझे विधायक बना करके विधान परिषद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे आप मुझे, उसके बाद ही माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं आप सभी से एक ही गुजारिश चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। थोड़ा समय का अभाव है, मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में करना चाहता था, लेकिन मैं आपके साथ अभी बात
मैं बाद में करूंगा, माननीय कमलनाथ जी को हमें सुनना है, वो हमारे बीच में है, उनके आशीर्वचन हमें सुनना है। जय जय कमलनाथ। के लिए आशीर्वाद देने आया सब। आज हमारे बीच में हमारे नेता, इस राष्ट्र के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, और सबसे ज्यादा अगर 14 महीने की सरकार में किसी का भला किया तो किसानों का किया साथियों, ऐसे नेता आज आज राहुल का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री राहुल के नामांकन भरने के लिए आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये राहुल का सौभाग्य। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं। इससे बोलो। हेलो, मेरे पुराने साथी पूर्व विधायक प्रताप लोधी जी के बारे में मैं बता दूं। ये प्रताप उड़के जी ने, ये विधायक थे, ये ऐसे विधायक थे, इन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया। प्रताप, कहाँ हो तुम? मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे विधायक पंसे जी, निलय डागा जी, आपके जिले के ही हमारे आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू तेकाम जी, आपके अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष हेमंत बागड़े जी, सुनील शर्मा जी, राजेंद्र जायसवाल जी, समीर खान जी, मनोज आर्या जी, और आपके उम्मीदवार समाज सेवक राहुल उइके जी, जो मेरा प्रतिनिधि बनके, ये कांग्रेस के उम्मीदवार है पर मेरे प्रतिनिधि है आपके बीच में। सबसे पहले आप मेरे साथ नारा लगाइए, जय सेवा, जय जोहार। मेरे साथ और भी नारा लगाइए, बड़ा महादेव की, बड़ा महादेव की। रानी दुर्गावती जी को मैं प्रणाम करता हूं, मैं यहां के सब अपने भाइयों को भी प्रणाम करता हूं। बहुत गहरा संबंध है आप सबसे, यहां आकर ये तो बच्चे हैं, इनका तो जन्म नहीं हुआ था। जब मैं बैतूल जिला में दौरा करता था, जीप में दौरा करता था, सड़कों की हालत बड़ी खराब थी, बदर में शाम तक 1.5 किलो मिट्टी हो जाती थी। यहाँ के मैं ये अपने पुराने साथी, पुराने चेहरों को देख के मुझे भी अपनी जवानी याद आती है। आके तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आप तो मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी के साथ एक अलग रिश्ता होता है, पर आके दुख भी होता है जब प्रदेश की तस्वीर हम देखते हैं, कैसे हर व्यवस्था चौपट है। पूरे प्रदेश की तस्वीर भी आप सबके सामने, आप हैं यहां अपने ब्लॉक में बैठे, अपने क्षेत्र में बैठे। पहले तो मैं आपको, इस ब्लॉक के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामू तेकाम के चुनाव में आपने रामू को जिताया था यहां से। आज हमारे प्रदेश में चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट सुरक्षा व्यवस्था। सबसे ज्यादा अत्याचार अपने देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में मध्य प्रदेश में। मैं ये नौजवानों को देख रहा हूं, इनको देख के मुझे बड़ी चिंता होती है क्योंकि यही नौजवान हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में।
अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों की भविष्य की। आज के नौजवान कोई रोजगार की खोज में, आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर कृषि क्षेत्र में मजबूती होगी तभी तो ये बच्चे को अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, सही बात है, तभी तो गांव में किराने की दुकान चल सकती है। आज कृषि क्षेत्र की हालत क्या है, कैसे किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये स्थिति आप सबके सामने है। 17 नवंबर को चुनाव है, ये क्या चुनाव है? चुनाव तो आते हैं जिला पंचायत का, जनपद का, नगर निकाय का, पर ये चुनाव का अलग मायने है। इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी की बात नहीं है, ये चुनाव तय करेगा हमारे बैतूल जिले का भविष्य, हमारे घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का भविष्य, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। तो याद रखिएगा, मैंने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मैं तो 44 साल से खुद चुनाव लड़ रहा हूं, पर ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जो आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं जो भविष्य तय करेगा। तो आज केवल अपने क्षेत्र का भविष्य नहीं, आपके हाथ में मध्य प्रदेश का भविष्य है, और जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, आप केवल राहुल उइके का ही बटन नहीं दबाएंगे, आप भविष्य का बटन दबाएंगे। ये याद रखिएगा, भविष्य का बटन दबाएंगे, कैसा भविष्य हमारा मध्य प्रदेश में होए, ये आज आपके सामने जिम्मेदारी है। हमारी सरकार रही थी 15 महीने, हमारी सरकार रही जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने बचे थे। हमने एक शुरुआत करी थी, हमने शुरुआत करी थी और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, हमने बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चालू थी, और केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा, दूसरी किस्त चालू थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आपको खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ता था, हमने 100 यूनिट ₹100 में दिए, कौन सी गलती की मैंने, कौन सा पाप किया मैंने, मैंने 1,000 गौशाले बनाए, कौन सा पाप किया मैंने, मैंने पेंशन बढ़ाई। आज हमारे कार्यकाल का आप सब गवाह हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या किया, पर आप गवाह हैं, और इसीलिए मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री था, विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं देने वाला, मौज करो। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदा करके कुर्सी में बैठने वाला नहीं था, मैंने कहा जाए सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज देखिए, ये आप सबके सामने, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, हर व्यक्ति जो यहां भी बैठा है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, सही बात है। ये पंचायत से लेके ऊपर तक पैसे दो काम लो, जगह जगह मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार के बारे में, कोई खड़ा हो जाता है कहता है जी 50 एकड़ जमीन हो किसी के पास, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो, ये हालात है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये प्रदेश है। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है,
50%, और 50% पैसा जो ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें दी। दुखी किसान आपने दुखी किया शिवराज सिंह जी, ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है, बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म पर ताला लगा रखा है, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा रखा है। ताला खुलवाना है 50% दे दो, 50% दे दो, ये ताला खोलेंगे। ये आज हाल है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप वन अधिकार पेशा का उदाहरण लें। पेशा 18 साल बाद इन्होंने कानून लागू किया, हमारे आदिवासियों के लिए हमने, कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून बनाया था, और ऐसे नियम बनाए, इसमें भी घोटाला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये नया मौका मिला है, हमारी सरकार आएगी, हम नए कानून बनाएंगे, नए नियम बनाएंगे, ताकि आदिवासी खुद ये पैसा कानून का क्रियान्वयन करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है किसान भाइयों, हमारी सरकार आएगी। अब तो ज्यादा समय नहीं बचा, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बहुत कर लिया उन्होंने, जगह जगह जाते हैं, इनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों की आवाज नहीं सुनते। आज किसान के आंसू ये नहीं देखते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में ये मास्टर हैं, मुंह चलाते रहेंगे। 22,000 घोषणाएं करी हैं, और अब पिछले 5 महीनों में चुनाव है, इनको बहने याद आने लग गई, इनको कर्मचारी याद आने लग गए, क्योंकि किसी तरह कोई ना कोई प्रलोभन दो और जनता को गुमराह करो। कन्या विवाह की राशि हम बढ़ाएंगे, 1,00,000 रुपए करेंगे, बेरोजगारों को 15,000 से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता करेंगे, हम नौजवानों को आईपीएल की टीम की ट्रेनिंग देंगे, स्कूल शिक्षा हम पूरी तरह मुफ्त करेंगे। ये सब हमारी योजना है, मैं सब पढ़ना नहीं चाहता, आवश्यकता नहीं है, पर इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की, और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जानता हूं चिचोली ब्लॉक की क्या मांगे हैं आप, अरे भाई मैं जानता हूं, ये होगा नहीं, चुनाव के बाद आपको आके मुझे पकड़ लेना पड़ेगा, मेरा कुर्ता खींचना होगा, तभी ये होगा। ये पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासियों एवं बंगाली समुदाय की भूमि के पट्टे की समस्या बहुत पुरानी है, मैं ये जानता हूं, इसका भी समाधान किया जाएगा। हमारा लठिया बिछुआ डैम का निर्माण का किया जाएगा, ये भी छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। ये आज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किसानों को मजबूती दें। अगर हम फिर से, हमने तो कहा हुआ है कर्जा माफ हम फिर से करेंगे, शुरू करेंगे, पर साथ साथ अगर कर्जा ही माफ किया
और किसानों को सिंचाई की सुविधा ना हुए, किसान क्या करेगा। तो सिंचाई योजना इस तरह आपका बहुत सारी मांगे हैं, ये आपको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको, ये कौन सी सीता जीरी माचना मोर मोर मोरन की स्वीकृति निरस्त की जाएगी, इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, यही है ना। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब गिनती होगी और मध्य प्रदेश की विधानसभा बनेगी, हमारे घोड़ा डोंगरी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों से यहाँ उधर आ जाओ, उधर यहीं पे ले, यहीं है सर टाइम।